to Doodhpatti with Dadi. नाज़रीन जब दुकान थोड़ी अच्छी चल रही थी तो मैंने आपको बड़े बड़े सितारों से मुलाकात करवाई, लेकिन वक्त और इन्फ्लेशन का तकाजा कुछ यूं है कि इस मखलूक को दावत देनी पड़ी। दावत भी क्या, एक बार मैसेज किया और ये तो चिमट ही गया। बटुआ निकालना। एयर फ्रेशनर होगा, क्योंकि ये तारुफ के मोहताज हैं। मैं आपको बता दे चलू कि तारु एक यूट्यूबर है, लेकिन इनको यूट्यूब कोई पैसे नहीं देता। ये एक सिंगर भी हैं, लेकिन कोला स्टूडियो इनको मुंह नहीं लगाता। एक्चुअली मुझे बहुत से लोग मुंह लगाते हैं। हाँ, जैसे कि गली के लंडे। क्या करते हो रात को उनके साथ? जी मतलब मेरा मतलब है कि तुम नाइट मैच खेलते हो ना क्रिकेट का गली में? नहीं दादी, गलियों में तो मैं सिर्फ एक चीज करता हूँ, बच्ची चेक। हाँ बता रही थी। कौन बच्चे? नहीं तुम्हारी मिसेस। वो तो चल है, उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, इतनी चिकनी कब से लगने लगी? आप मेरी बीवी के बारे में प्लीज तुम इसे बात कीजिए। अच्छा, तुम्हारी बीवी के बारे में तुम इसे बात करो। और वो तो तुम लोकली नेशनली इंटरनेशनली सबकी बीवियां माए बहनों को चेकआउट कर रहे हो, तो वो मेरी बीवी तो नहीं है, वो तो बच्चियां। वाह भाई, क्या आला शख्स है भाई, वाह। इसके बारे में कोई मोनोलॉग नहीं सुनाओगे? एक बच्ची, एक माँ, एक बहन, सब मेरी। वाह, ऐसा ही है। लाहौर के रहने वाले हो जी, तो वहीं क्यों नहीं रह गए? मुझे कराची पसंद है। लेकिन कराची को तुम नहीं पसंद हो, इनफैक्ट कराची को पूरा का पूरा लाहौर सख्त नापसंद है। ये तो असल में आपका कहना है, हमने इस मुल्क को हिस्सों में बांट दिया है, जबकि इस्लामाबादी, लाहौरी, कराचीआइट्स हम सब एक हैं, यहाँ तक कि मुल्तानी भी। बात सुनो, ये तुम्हारी कोई वेब सीरीज नहीं चल रही, फुटबॉल का भाषण दे दो सबको, ठीक है? और वैसे भी इस्लामाबाद हमारा नहीं, बड़ा मनोज है। आपके शो की तरह। हाँ? एहसान परामोश, खाना खुद गर्म कर लो के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं तो खुद खाना नहीं गर्म करता। तो फिर क्या गर्म करते हो? बच्चियां 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 बच्चियां। अगर ये बैठ, और कौन में बैठ तू? हाँ, ये बच्चों का जला अच्छा तेरे लिए। बच्चियां, सुना है तुम भी किसी फिल्म में एक्स्ट्रा के तौर पर आ रहे हो? एक्स्ट्रा नहीं हूँ, मेरा काफी अहम रोल है। हाँ, डेड बॉडी का डायलॉग बन 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 बन। चलो अब तुम कुछ गाकर सुनाओ। क्या गाऊं? गंदी बातें करने में एक अजब सा नशा है। अरे आपको भी ऐसा ही लगता है? कि तुम गा सकते हो? नहीं, कि गंदी बातें करने में एक अजब सा नशा है। हाँ, वो तो तुम्हारे व्लॉग में दिखता है। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? तेरा शो है क्या? चलो जल्दी से गुनगुना दो, वैसे तुमने आवाम का बहुत वक्त जाया कर दिया है। गंदी गंदी बातों में अजब सा नशा है, गंदी गंदी बातों में अजब सा नशा है। कितनी बार बोला है यहाँ सीट पे बैठना है और काट में समझ नहीं आ रहा है रकम। खून अब गुंडू की सहेली को बुलाया है, वो तुम्हें थोड़ा गाना सिखाएगी। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह की प्यास है ये। बस ठीक ठीक है, देखा ये होते हैं कलाकार, तेरी तरह नहीं, बेकार। असल में आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, मुझे बड़े अवार्ड्स अवार्ड भी नॉमिनेट हुए हैं। ये जरा पकड़ना लाइटर, अगर आपके बच्चे की जबान हो गंदी तो दिखाइए गलत मंडी, करिए एक बार प्रेस, ना रहिए सारी जिंदगी डिप्रेस। ये तुम्हारे वालदैन को भी पार्सल कर दिया है मैंने। थैंक यू। स्कूटी बढ़ाए हो जी, तो फिर उसी पर वापस चले जाओ। देखिए मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ, और घास पर फूसी भी। ये तो तुम्हारा गिफ्ट हाथ मोला, पूरे गटक लेना, इंशाल्लाह काम आएगी। गुड्डू, डरा अंकल को लैट्रिन ले जाना। बच्चे और बच्चों, उम्मीद है कि ये शो आपके लिए इबरतनाक रहा होगा। कुछ भी बन जाना, मगर ऐसा ना बन जाना प्लीज। अरे गुड्डू, जरा दूध पट्टी तो लाना लाना।